यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी इन दिनों परेशान है। बीजेपी की परेशानी है तो वो है कि कौन होगा बीजेपी का चेहरा, क्योंकि बीजेपी ने जब जब कोई चेहरा मैदान में उतारा है तब तब बीजेपी को पटकनी खानी पड़ी है। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मंथन में जुटे हुए हैं। बीजेपी इसी पेच में फंसी हुई है कि आखिर किसको बनाया जाए यूपी का चेहरा, क्योंकि बीजेपी को भी मालूम है जब जब बीजेपी ने यूपी में किसी को चेहरा बनाया है तब तब उसे हार का सामना करना पड़ा है। कभी यूपी में 221 तक के आंकड़े पार करने वाली बीजेपी अब 41 सीटों पर सिमट कर रह गई है। बीजेपी के पास कई चेहरे हैं जिसके सहारे चुनाव लड़ सकती है, लेकिन दिल्ली और बिहार में हार के बाद बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बीजेपी के पास भले ही महंत आदित्यनाथ, वरुण गांधी, स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन बीजेपी कोई भी कदम फूक फूक कर रखना चाहती है। हम एक दो सालों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बात कर रहे हैं 50 सालों की। इतिहास गवाह है कि 50 सालों में जब जब बीजेपी ने किसी चेहरे के सहारे यूपी में चुनाव लड़ा है तब तब केवल हार ही मिली है। लिहाजा अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि यूपी चुनाव में बीजेपी बगैर चेहरे के ही चुनाव लड़ेगी। भगवा पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार यूपी की जनता ने हमेशा नकारे हैं। फिलहाल यह बात हम नहीं, पिछले 50 साल के ये आंकड़े तो कर रहे हैं। 2012 में उमा भारती सीएम पद की अघोषित उम्मीदवार थी, लेकिन बीजेपी की सीटें 57 से घटकर 47 हो गई थी। वर्ष 2007 में जब कल्याण सिंह सीएम पद के उम्मीदवार थे तब सीटें 88 से घटकर 51 हो गई थी। राजनाथ सिंह को साल 2002 में जब सीएम पद के उम्मीदवार बनाया गया था तब सीटें 174 से घटकर 88 पहुंच गई थी। 1996 में कल्याण सिंह को बीजेपी ने जब बतौर सीएम उतारा तब सीटें 221 से घटकर 177 हो गई थी। वर्ष 1991 में सीएम पद का कोई चेहरा बीजेपी की ओर से नहीं प्रोजेक्ट किया गया तब बीजेपी को 221 सीटें मिली थी। 1974 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ को सीएम पद का उम्मीदवार बताकर चुनाव मैदान में उतारा गया तब सीटें घटकर 61 हो गई थी। 1967 में जनसंघ के समय 98 सीटें जीतकर लंबी छलांग मारी गई। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी मुश्किल में फंसी हुई है, किसी को चेहरा बनाए या फिर 50 साल के इतिहास को देखे, क्योंकि बीजेपी को अब डर लगने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़।